पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने पहुंची प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि राम मंदिर का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुद्दे का समाधान न्यायालय के माध्यम से ही होना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जो भी फैसला आएगा वह सर्वमान्य होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा, दीक्षांत समारोह उसका कारण ये है कि इस समय पर उत्तर प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और उसमें से दो नए विश्वविद्यालय हैं, तो 26 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह होना है। इसके पहले कुछ विश्वविद्यालयों का दो दो तीन तीन साल में दीक्षांत समारोह नहीं होता था। मैंने 3 साल में सारी गाड़ी पटरी पर लाई है और इस समय पर 26 विश्वविद्यालयों का जो दीक्षांत समारोह करना है उसमें आज का 20वां था। लोगों के सवाल में ये देखा गया है कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं। गए साल में 1085 पदक सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत में दिए गए, उसमें से 66% यह लड़कियों के अकाउंट में खाते में गए। लड़का यह ऐसा उदाहरण है जिसमें सबको खुशी हो सकती है। राम मंदिर को लेकर इस समय सबसे आगे है, इस समय पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में है और कोई सवाल जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं तो राज्यपाल के नाते मेरा ये दायित्व तो होता है कि ऐसे विषयों पर जो विचार विषय न्यायालय के अधीन हो उस पर कुछ बोलना ये उचित नहीं होता है। मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में, न्यायालय का जो भी निर्णय हो वो सबने मानना चाहिए और वो न्यायालय का निर्णय कब आता है तब तक उसकी राह देखनी चाहिए।